बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ भी हो खुश हो हैप्पी हो। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए वो है कीमे वाले पराठे, बहुत ही मज़ेदार। चूँकि ईद आने वाली है तो ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी और इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगी। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप आटा, जो हम आम यूज़ करते हैं आटा, वो लिया। इसके अंदर 2 चम्मच मैंने डाल दिया है सूजी, 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाल के और 2 चम्मच घी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। जब इसके अंदर क्रम्स बनना स्टार्ट हो जाए आटे के अंदर, इसके बाद नॉर्मल पानी के साथ इसको गूंद लिया है। जैसे हम नॉर्मल एक आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको गूंद लेना है। अच्छा, अब यहाँ आटे की जगह मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैदा जो होता है वो ज़रा हैवी होता है, इसलिए मैं जो है वो आटा ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने नॉर्मल आटे की तरह इसको गूंद लिया, इसके ऊपर घी लगाया और इसको कवर करके मैंने रख दिया है 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। तो इसकी फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर डाल दिया 2 चम्मच ऑयल, इसके अंदर 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। जब अच्छी तरह लहसुन अदरक फ्राई हो जाए, इसके बाद इसके अंदर डाल दिया है मैंने कीमा 1 पाव के बराबर। यहाँ मैंने चिकन का कीमा लिया है, आप इसी मेथड से जो है वो बीफ का कीमा जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही कीमे का रंग जो है वो चेंज हो जाए, इसके अंदर एक छोटी प्याज चॉप की डाल के इसको भी फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर डाल देना है नमक अपने हिसाब से ज़रूर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसा धनिया और 1/4 टीस्पून हल्दी डाल के इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। इसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी 2 से 3 टेबलस्पून पानी, इसको कवर कर दूंगी। अगर आप बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लीजिएगा। तो इसका जब पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए, इसके बाद इसके अंदर आप डाल दें 2 सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई, इसके अंदर छोटे साइज़ का 1 टमाटर और 2 टेबलस्पून धनिया डाल के सब्ज़ धनिया इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो इसके बाद आपने इसके अंदर डाल देना है 1/2 टीस्पून गरम मसाला, इसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो ये डन हो चुका है, इसको निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखें, इतनी देर में जो आटा भी है वो सेट हो चुका है, इसको निकालेंगे और इसको एक नॉर्मल साइज़ के वो जो है 3 से 4 पेड़े जितने भी हो सके आप कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ 3 पेड़े कर रही हूँ, तो 3 पेड़े जो नॉर्मल साइज़ के होते हैं वो हमने कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पेड़े जो है वो कर लिए। इसके बाद मैंने एक पेड़ा उठाया, इसको हल्का हल्का सा प्रेस करके थोड़ा सा इसको मैंने बेल लिया है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर आटा डस्ट करके इसको लंबाई की शक्ल में बेल लेना है। तो मैं इधर आपको 3 किस्म के पराठे जो है बनाने सिखाऊंगी, तो आपको जो भी पसंद आए आप वो बना लीजिएगा। तो जैसे ही हम इसको बेल लेंगे लंबाई की शेप में, इसके टॉप पर कीमा रखेंगे और इसके जो नीचे वाली साइड है इसके ऊपर घी लगा के अच्छी तरह घी लगा देना है। इसके बाद इसकी एक साइड को पकड़ना है, लंबाई वाली साइड को, इसको हमने कीमे के ऊपर रख देना है। इसी तरह दूसरी साइड को उठा के इसके ऊपर रख के अच्छी तरह इसको फोल्ड कर देना है। इसके बाद इसके ऊपर भी घी लगा देना है। इसके बाद हल्का सा इसके ऊपर आटा डस्ट करके इसको रोल की शेप में फोल्ड कर लेना है। आहिस्ता आहिस्ता इसको रोल की शेप में फोल्ड करते रहें और लास्ट वाला जो पार्ट होगा इसको पकड़ के आहिस्ता से इसके साथ आपने चिपका लेना है। जितना खींच सकते हैं आप इसको खींच के इसके बाद चिपका के इसके बाद आपने इसके ऊपर घी लगाना है, इसको साइड पर रख देना है। इसके बाद दूसरा मैंने जो पेड़ा उठाया है इसको भी मैंने इसी तरह हल्का सा प्रेस करके इसको बेल लिया है, गोल जैसे एक रोटी होती है इस तरह बेल के इसके सेंटर में कीमा रख दिया है। कीमा रखने के बाद अब मैं इसको दूंगी एक चकोर पराठे की शेप, इसको हल्का सा एक साइड से फोल्ड करके इसके ऊपर घी लगा के हल्का सा आटा डस्ट किया, इस तरह दूसरा इसके ऊपर फोल्ड करके इसके ऊपर भी आटा डस्ट कर दिया, घी लगा दिया है। इस तरह मैंने इसको एक चकोर जो पेड़ा होता है उसकी शेप दे दी है। तो इसको भी हम साइड पे रखते हैं, ये भी डन हो चुका है। तीसरा जो है इसको मैं रफली जो है एक पराठा जो होता है नॉर्मल पराठा जो होता है वैसे बनाऊंगी, गोल रोटी जो होती है उस तरह बना के इसके अंदर कीमा रख के इसको रफ जो होता है ना पेड़ा, इस तरह हमने बना लेना है। तो ये देखें हमारे तीनों जो हैं वो पेड़े तैयार हो चुके हैं। इसके बाद हमने जो सबसे पहले जो पेड़ा हमने तैयार किया था इसको उठाएँगे, इसको हाथों की मदद से प्रेस करते हुए बढ़ाते रहना है, जहाँ तक हो सके आप इसको बढ़ाएं। लेकिन ये इसको आप बेलन का यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि इसकी जो बाल हैं वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा बालदार पराठा होगा। तो इसके बाद इसके ऊपर पैन में रखेंगे, इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। अब मैं ऑयल लगा रही हूँ, आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले बहुत ज़्यादा घी इस्तेमाल कर लिया है तो इसलिए मैं जो ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ मैं दरमियानी आँच पे जो है पराठा मैंने फ्राई कर लिया है अच्छे से। जब ये गोल्डन हो जाए, क्रिस्पीपन आ जाए, तो हमारा पराठा डन है। इसको रखेंगे साइड पे। इसके बाद चकोर पराठे की बारी आती है। तो चूँकि मैंने चकोर जो है वो पेड़ा बनाया था, तो इसी तरह मैं जो है इसको बेल लूँगी चकोर साइज़ में ही, चकोर अंदाज़ में ही। तो इसको भी हमने इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता घुमाते रहना है और इसके अंदर भी क्रिस्पीपन आ जाए, तो इसको भी उतार लेना है। तो हमारे 2 पराठे जो वो डन हो चुके हैं। इसके बाद तीसरे जो है वो पराठे की बारी आती है। ये ज़रा रफली सा होगा, जैसे आम सा होता है वैसे ही हमने इसको हल्का हल्का हाथों की मदद से बेल के इसके ऊपर, इसको भी पैन के अंदर रख के इसके ऊपर मैंने घी लगा दिया, क्योंकि इसके जो है पेड़े के ऊपर हमने
बहुत कम जो है वो घी इस्तेमाल किया था। तो इसको भी हमने इसी तरह गोल्डन करते हुए फ्राई कर लेना है। तो जैसे ही ये दोनों साइड से पक जाए तो निकाल लेना है। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो पराठे हैं वो तीनों तैयार हो चुके हैं, और ये देखें कितने क्रिस्पी हैं और कितने मज़ेदार लग रहे हैं। तो आप जिस तरह भी चाहें इनको पेश कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने दो जो पराठे हैं उनको कटिंग कर लिया है, और एक जो बालदार पराठा है उसको मैंने इसी तरह रहने दिया है। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो आप इसको ज़रूर ईद पर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।